सहारा इंडिया निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर रिफंड पोर्टल से मिल रही है। आपको बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे के लिए क्लेम जो भी लोग कर चुके हैं और पोर्टल के द्वारा क्लेम किए गए आवेदन पर अभी तक पेमेंट नहीं मिला है या फिर पेमेंट फेल हो गया है, इसके बारे में पोर्टल के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लोगों को सूचित करते बताया गया कि हम वर्तमान में 19,999 तक के क्लेम के लिए फिर से सबमिशन स्वीकार कर रहे हैं। अनपत्र दावों के लिए तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। दोबारा सबमिट किए गए दावों पर 45 कार्य दिवस के भीतर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि सहारा समूह के निवेशक का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार को 5,000 करोड़ रुपए अभी तक मिले हैं। पोर्टल के माध्यम से निवेशक को पैसा भी मिला है। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है, जबकि सहारा समूह में 9,88,00,000 निवेशकों ने 8,67,673 करोड़ रुपए फंसे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से और पैसा पाने के लिए गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि खबर ये थी कि 2024 चुनाव के पहले निवेशकों के पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नया आदेश निकल कर आएगा, लेकिन ये काम भी विफल नजर आ रहा है। वहीं सहारा समूह में 1,13,00,000 निवेशक ऐसे हैं जिनका 5,000 से कम की रकम जमा की गई है। ऐसे गरीब निवेशकों को रिफंड के लिए कुल 2,793 करोड़ रुपए की जरूरत है। आपको बता दें कि सहायता राज्य मंत्री पीएल वर्मा जी के द्वारा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में साफ साफ बताया गया है कि सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वे फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। बीएल वर्मा जी के द्वारा बताया गया है कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां निवेशक अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमें 5,000 करोड़ रुपए अभी तक मिल पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और सिटी रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि से भी सहारा खाते से सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर किया गया। सेबी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 2,45,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सेबी सहारा रिफंड खाता अगस्त 2012 में उस वक्त खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिलीज किए गए ऑप्शनली फुल कमर्शियल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर के पैसे लौटाने को कहा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि से ज्यादा इस खाते में जमा करवाए थे, जो ब्याज के साथ अभी बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो चुका है। सेबी सहारा रिफंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपए ही रिफंड किया जा चुका है।